नमस्कार बच्चों, मैं आज सिद्धि विद्यालय से आप और आपका अभिभावक का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी प्रश्नावली जो आपको मैंने आगे एग्जाम्पल समझाया उसमें फोर्थ, चौथा और पांचवा एग्जाम्पल समझाने जा रहा हूं। साथ साथ में स्वाध्याय भी मैं ले लिया, उदाहरण स्वाध्याय साथ में। चौथा एग्जाम्पल में रहमान की 3 वर्ष पहले उम्रा का व्यस्त यानी विलोम और 5 वर्ष के बाद उम्रा का विलोम का योग 1.3 थे, 1/3, तो वर्तमान उम्रा ज्ञात करना है। माना कि रहमान के वर्तमान आयु एक्स वर्ष हो, बराबर, तो 3 वर्ष पहले यानी घटाव करना, 3 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी होगी, एक्स माइनस 3 वर्ष, पहले आयले माइनस करना, बाद में आयले प्लस करना, और 5 वर्ष के बाद उसकी आयु कितनी होगी, एक्स प्लस 5 वर्ष। तो ये समीकरण में दोनों का योग जो है 1/3, एट उसका व्यस्त यानी विलोम, विलोम क्या होता है, 1/x-3 प्लस 1/x+3, 5, ये दोनों का लस पर निकल के क्रॉस गुणा करेंगे तो 3 × x-3 x x+5 इधर गुणा होगा, x-3 इधर गुणा होगा, तो ये तीनों इस साइड आएगा और ये जो है दोनों इस साइड आएगा, तो उनका समीकरण होता है आपका x²-4x-21 और 21 का गुणनखंड करेंगे 7×4=21 और 4 × 3 = 4 आएगा, x²-7x+3x-21 इसका आएगा x-7x+3, उसको बराबर 0 करेंगे तो x = 7x-3, तो माइनस का इसमें लेते नहीं है, तो रहमान की जो वर्तमान आयु है 7 वर्ष होती है। समझ में आगे, तो ऐसे एग्जाम्पल में आपको ध्यान से करना है, मानना है। उसी तरह पांचवा एग्जाम्पल, एक वर्ग का सत्य टेस्ट लिया है, शेफाली का गणित में और अंग्रेजी में प्राप्त जो अंक है, ये अंक का योग 30 है, यदि उसका गणित में 2 अंक अधिक आया हो और अंग्रेजी में 3 अंक कम आया हो तो उसके अंकों में गुणनफल कितना होता है, 210। दोनों विषय में कितना अंक प्राप्त किया है उसको ज्ञात करना है। शेफाली का माना गया गणित में प्राप्त अंक में 2 है, अंग्रेजी में दोनों का योग कितना होता है, 30, 30-x आएगा अंग्रेजी में, गणित में 2 अंक अधिक है तो x+2 होगा और अंग्रेजी में 3 अंक कम है तो 30-x-3, 30 में से -3 27-x आपका समीकरण बनेगा। दोनों का योग कितना है, गुणनफल, गुणनफल यानी गुणा, x-3 27-x दोनों का गुणा बराबर 210। ये समीकरण सॉल्व करेंगे तो 51-25x+156, 156 का गुणनखंड कीजिए तो, और बीच में 25 लाना है, कितना आएगा, 13 और 12 बराबर 156, मतलब 13x-12x x-13 और x-12 x=13 x=12। अभी 30-x इसमें 13 घटाव करेंगे 17 आएगा और 12 घटाव करेंगे तो आपका 19 आएगा, इसका जो गणित में है 13, अंग्रेजी में 18 दोबारा, अथवा तो गणित में 12 और इसका 18, ऐसे दोनों मान उसका आ जाता है। तो दोनों एग्जाम्पल बराबर समझना, दो बार देखना और आप कर लेना।